नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। और आज मैं आपके लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं, पहले आपको मैं रिमोट दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको ऑन ऑफ़ करने के लिए मिलता है, फिर इसके बाद आपको रेगुलेटर मिलता है, इसमें आपका जो फ़ैन का है, तो आप यहाँ फ़ैन ऑन करेंगे तो आपको यहाँ से कम ज़्यादा फ़ैन को कर सकते हैं। फिर इसके बाद लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, चार आपको लाइट के ऑप्शन मिल जाएंगे, फ़ैन को कम ज़्यादा करने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं क्या है, रिमोट कंट्रोल स्विच फॉर लाइट्स एंड फैन। ये आपका ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक टेक का है। और इसमें आपका यहाँ पर से कैसे कनेक्शन होगा, कैसे आपको करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपका रिमोट हो जाएगा, ये आपका रिमोट होगा। इसमें आपको जो सेल होंगे तो छोटे वाले आपके इसमें सेल डालेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर से IR का, ये आपका IR का हो गया, देख सकते हैं ये आपका IR का है, ये आपका ऑप्शन आपका IR का मिल जाएगा। और इसके बाद आपको कुछ इस तरह से आपको फिट करना है इसमें। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि आपका इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितनी लाइन मिलती है। तो लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको दो ब्लैक और रेड में मिलते हैं, देख सकते हैं ये आपकी जो वायर है तो ब्लैक और रेड में मिलती है। बाकी आपकी इसमें कौन से कलर आप देख सकते हैं, इसमें आपको दो आपको टोटल चार जो हैं, तो एक दो तीन चार आपको पीली कलर मिल जाती है और एक आपको नीली कलर मिल जाती है। तो इसको आपको कनेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपकी जो स्विच होगी या फिर आपके पास बोर्ड होगा कोई भी मेन बोर्ड, यदि आपके पास बोर्ड है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके घर की लाइट आती है तो सबसे पहले आपको चेक करना है जो प्लस है आपका, जो ये प्लस है तो आपको ये प्लस और माइनस आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं प्लस माइनस को इसमें कनेक्ट कर देना है, तो आपको इसमें आपकी जो लाइट की इंडिकेटर होगी तो लाइट की इंडिकेटर जलने लगेगी। और जो आपकी स्विच की होगी, स्विच में आपको जो लगी हुई होंगी, ये आप देख सकते हैं स्विच में जो आपकी लगी होंगी, तो स्विच में आपको सबसे पहले तीन टर्मिनल आपके जो हैं, ये एक दो तीन चार, तो ये जो आपके चार टर्मिनल हैं वायर के, तो चार टर्मिनल आपके जो होंगे, तो स्विच में जो आपको ऑन ऑफ़ करते हैं तो जिस तरह से ऑन की वायर आती है उसको उस साइड से कनेक्ट कर देना है। यदि ऑफ़ की तरफ यदि आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपका ये स्विच बटन सिस्टम काम करने लगेगा, आपका रिमोट सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जो मेन लाइट आई होगी बल्ब से, उस साइड में प्लस में इसको कनेक्ट करना, ना कि माइनस में इसको कनेक्ट करना। यदि आप इसको माइनस में कनेक्ट करेंगे तो ये आपको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और ना ही ये चलेगा। तो ये आपको तीन चार टोटल दी हुई है, तो चार इसमें आप इसको लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं और चारों लाइट को चला सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आता है फ़ैन का, तो फ़ैन में भी आपको जो रेगुलेटर का होगा तो रेगुलेटर वाले से इसको आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है फ़ैन वालों से। तो उससे आप यदि इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो आपको इसमें क्या रहेगा, जो आपका डायरेक्ट है तो डायरेक्ट चलेगा। यदि आप उसको डायरेक्ट लगा रहे हैं तो आप इसमें रिमोट से यदि आपको धीम तेज करना है रेगुलेटर के थ्रू फ़ैन को, तेज स्लो मीडियम हाई करना है तभी आपका ये काम करेगा। यदि आप उससे कनेक्ट करते रेगुलेटर से डायरेक्ट कनेक्ट करते तो आपको पूरी तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको उससे भी तेज़ करना पड़ेगा और इससे भी धीमा करना पड़ेगा, तभी आपका दोनों से काम चलेगा। तो इस बात को फिटिंग करने से पहले ध्यान में रखना है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है और कैसे इसको लगाना है, तभी आपका ये काम करेगा। फिर इसके बाद आपका ये IR का होता है, तो IR में आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका IR का जो है, तो इसमें आपको रिमोट जितने में होना चाहिए या आपका पता है उतने में इसको आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरी तरह से काम करेगा। यदि आप उसको उतने में नहीं लगाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से ये काम या फिर रिमोट आपका काम नहीं करेगा। तो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। तो वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।